कौन इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, आपसे परिचय उनका करा दें। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, युवा नेता हैं और बगैर लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अखिलेश जी बेहद अनुभवी नेता हैं और बहुत ही शानदार तरीके से डिबेट्स में अपनी बातों को रखते हैं। अखिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत। अलावा इसके हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा जी बहुत बहुत आपका भी इस चर्चा में स्वागत। सर वो विशिष्ट प्रक्रिया समझा दीजिए ना मुझे भी, क्योंकि कांग्रेस ने बताया ना कि हर राज्य की इकाई से भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के लिए नाम का प्रस्ताव होता है और उसके बाद सर्वानुमति बनाने का प्रयास होता है और भारतीय जनता पार्टी इसके आधार पर अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। सर सब कुछ भीतर हो जाता है क्या? नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा? जगत प्रकाश नड्डा जी से पहले जो अध्यक्ष बने उनके बारे में भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। कांग्रेस पार्टी में ये बातें हमेशा तय रहती हैं कि किसका प्रभाव और किसके दबाव से अध्यक्ष बनेगा। ठीक है राकेश जी, आज हालांकि मौका आप भी चूक रहे हैं और मौका आप मैं भी चूक रही हूं। मैं तो इसलिए चूक रही हूं क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपके कायल हो जाऊं आप आज, लेकिन आपने सियासी जो जोड़ तोड़ बैठाया है ना उसके बाद मुझे एके मिश्रा जी पर जाना पड़ रहा है। एके मिश्रा जी, आपने बहुत लंबी चर्चा सुनी, लगभग 24 मिनट से आप धैर्य के साथ सब कुछ सुन रहे हैं। ये जो गेम है, कभी उसके पाले कभी इसके पाले बॉल, कभी इसके पाले कभी उसके पाले, कहीं पर ये थमती हुई रेस नजर आ रही है क्या? और आपने अभी दोनों तर्कों को सुना, अखिलेश जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और राकेश जी बेहद बेहद युवा प्रतिभाशाली प्रवक्ता हैं, कैसा लग रहा है ये बॉल गेम? देखिए मैम, दो चीज है। भारतीय राजनीति में शायद उस समय का या उस तरीके का पटाक्षेप हो गया है जब विरोधी भी अच्छे कामों की तारीफ कर देते थे। जी। आज मुझे वो नहीं लगता है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि कांग्रेस भी बीजेपी की किसी अच्छे काम की तारीफ मैंने नहीं सुनी पिछले 8-10 सालों से, या बीजेपी या और भी, आप ये देख लीजिए। मुद्दा जो आपने शुरू किया, अखिलेश जी ने जो बोला और बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला, देखिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को बधाई दे दूं कि ठीक है 22 साल के बाद ही सही, एटलीस्ट कांग्रेस ने अपने उन सिद्धांतों को, उन नियमों को पुनर्जीवित किया। इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक जो है लोकतंत्र जिसको बोला जा रहा बहुत है, बढ़िया बात। ठीक है, इसके लिए तो डेफिनेटली मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगा, भले ही वो बोल रहे थे कि जी हमारी तारीफ कोई नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दो तीन चीजें और हैं। अगर ये 22 सालों से है और इंटरनल डेमोक्रेसी में कांग्रेस बिलीव कर रही है, तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि जो पिछले 22 सालों में इन्होंने नहीं किया? हर साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये चुनाव करा देते। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है, जो नरेशन निकल के आता है, देखिए इसके पहले तक के जो चुनाव हुए स्टेट लेवल और 2 लोकसभा के हुए, गांधी परिवार के नेतृत्व में हुए। मैं किसी की क्षमता पे नहीं उठाता हूं, लेकिन कोशिश सच्चे दिल से भरपूर मन से की गई, रिजल्ट अच्छा है। फेल्योर्स ज्यादा रहे हैं और जो सक्सेस आए राजस्थान और पंजाब वगैरह की चुनावों में, वो वहां का जो लोकल नेतृत्व था, वहां के जो मुख्यमंत्री आज हैं, उनके कारण ज्यादा आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा कि भाई देखिए प्रियंका गांधी जी भी चुनाव मैदान में उतरी, राहुल गांधी जी भी उतरे, ठीक है सोनिया गांधी जी की उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के कारण उतनी एक्टिव वो नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा कोई चीज छोड़ा नहीं, इन्होंने टाई अप्स भी किए। रिजल्ट वो आशातीत नहीं आ रहे हैं जो कांग्रेस की ग्लोरी हुआ करती थी और जिसकी ख्वाहिश हर कांग्रेस का आदमी करता है। यही चीज अखिलेश जी भी बोल रहे थे, अखिलेश प्रताप सिंह भी बोल रहे थे। भारत यात्रा की मैं बात करूं, देखिए किसी भी प्रादेशिक या नेशनल लेवल की जो पार्टी है उसका कोई शीर्ष नेतृत्व अगर है, नेता है राहुल गांधी या कोई और हो गए, तो उनके अंदर इतना तो अट्रैक्शन होता है कि वो क्राउड को पुल कर ले। भारत जोड़ो यात्रा, अगर उसके रिजल्ट वो चीजें आ सकते हैं, ये चीजें आप वोट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस अगर कर रही है, कोई इवेंट कर रही है, तो डेफिनेटली वो उसमें अपने सुनहरे भविष्य को देखेगी। कोई भी पार्टी अगर कोई इवेंट करेगी, रैली करेगी, तो उसका उद्देश्य ही होता है कि राजनीति में जो सुनहरा भविष्य होता है वो उसमें परिलक्षित उनको होता है। ये एक पॉलिटिकल मायोपिया होता है जिसको बोलते हैं। भले ही वो चुनाव जीते हारे, लेकिन हर चुनाव के पहले हर पार्टी का नेता ये बोलेगा कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और विपक्ष का सफाया कर रहे हैं। एक मिश्रा जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि अचानक से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आ गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि कांग्रेस के आला कमान की वो पसंद थे, ठीक इसी तरह इस वाले चुनाव में भी देखने को मिल रहा है क्या? क्या ये चुनाव सिर्फ एक सिंबॉलिक चुनाव बनकर रह गया है क्योंकि खड़गे के साथ आला कमान का हाथ है, इसीलिए इधर एजेंट, पोलिंग एजेंट तक शशि थरूर को नहीं मिल पाए, यहां तक कि
खड़गे के साथ वो लोग भी आकर खड़े हो गए जो धुर विरोधी हुआ करते थे, कांग्रेस की नीतियों में खामियां निकालते थे और कहते थे कि कंप्लीट चेंज की आवश्यकता है, वो भी इधर आकर खड़े हो गए। नहीं मैम देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी जो होता है किसी पार्टी का वो बहुत लिमिटेड होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बनाया गया है वो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल पे भारत को जो है रिप्रेजेंट करना होता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, वहां प्रायोरिटीज कुछ और होती है। अच्छा, इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत कम होती है? नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी के टारगेट और उद्देश्य जो है डिफरेंट है। यहाँ पे जो कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी है, खड़गे जी जीते हैं या शशि थरूर जी जीते हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद वो किसी भी पार्टी में हो वो बहुत इलिजिबल होते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन तो कोई भी नहीं उठा सकता है, सक्सेस फेलियर कुछ भी रहा हो। देखिए यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अभी इंटरनल चैलेंजेस ज्यादा हैं। अगर ये अपने इंटरनल चैलेंजेस को मैनेज कर लेते हैं तो ये बाहर की राजनीति को भी मैनेज कर लेंगे। पार्टी अंदर से एकजुट हो जाए, मजबूत हो जाए, सब एक सुर में कम से कम बोलना शुरू कर दें। नहीं, जो भी हो एक सुर में बोले, देखिए वो उनकी अपनी रणनीति है। ये भी ये होता है कि भाई हम ये बोलेंगे आप वो बोलिए, सबके सुर अलग हैं। हो सकता है ये कोई कांग्रेस की रणनीति हो या बीजेपी की ये रणनीति हो, जो एक आदमी ने बोला सब वही बोलेंगे। ये इनकी अपनी रणनीति होती है, उस हिसाब से रिजल्ट इनको मिलते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, जो इलेक्शन हो रहा है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू हो रहा है और पार्टी को अंदर से मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। खड़गे जी कांग्रेस भारत को, भारत देश को फॉरेन में तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना। नहीं, अच्छा कितना समझते हैं खड़गे जो है, खड़गे के लिए चुनौती कितनी बड़ी देख रहे हैं आप कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है? सोचिए, सबसे बड़े राज्य यूपी में सिर्फ दो विधायक हैं, दो राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ तीन राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, छह राज्यों में कोई विधायक ही नहीं है। देखिए खड़गे जी के लिए दो चुनौतियां, अगेन मैं आपको बताता हूं, एक जो पार्टी में इंटरनल एक मत नहीं है, इंटरनल डिस्प्यूट है। आप ये देखिए, जैसे अभी चुनाव के ठीक पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुछ और थे, किसी के कुछ और मत थे। एक तो पार्टी को सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड करना, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड, यहीं से ले लेते हैं। अखिलेश जी ब्रेक पर जा रहे हैं, जब तक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, आपके पास कितनी भी एनर्जी या ऊर्जा हो, एक वो चैनलाइज नहीं होती, वो एनर्जी आपकी चैनलाइज नहीं होती। सर अखिलेश जी देखिए, लोकतंत्र तभी खूबसूरत होता है जब विपक्ष वहां का खूबसूरत हो, और विपक्ष की स्थिति जो है आप भी जानते हैं अखिलेश जी, भले ही आपका उत्साह इस समय नजर आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस चेहरे पर नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने भीतर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली सर नहीं है, और विश्वास कीजिए कि आप भी भीतर से ये बात जानते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज समय दीजिए। समय है सर, प्लीज बोलिए, मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिए। मिश्रा जी ने बहुत पॉइंट उठाए, पहले मिश्रा जी को मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, 22 सालों बाद वोट पड़ा है, चुनाव हर साल हर 5 साल पे हुए हैं, क्योंकि दो कंटेंडर हुए थे इसलिए वोट पड़ा। राहुल जी भी चुनाव से ही आए थे, सोनिया जी भी चुनाव से आई थी, पहली बार भी सोनिया जी के लिए दो कंटेंडर थे तो वोट पड़ा था। तो ये जो है कि 22 साल बाद कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहा है, इसको और उसमें ये थोड़ा अंतर है जो आप लोग मिस कर रहे हैं जी। दूसरी बात देखिए, एक होता है लोकतंत्र, एक होता तानाशाही। जहां पे जिस परिवार, छोटा सा यूनिट अगर परिवार है उसमें भी मतभिन्नता होती है। घर में भी अगर कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं तो जितने पारिवारिक मेंबर हैं उसको कहने ये वाला लिया जाए, ये वाला लिया जाए, ये वाला लिया जाए, लेकिन अंत में निर्णय होता है जो उसको फिर सब स्वीकारते हैं। ये होता है स्वस्थ लोकतंत्र, और इससे परिवार में यूनिटी बनी रहती है, लेकिन एक तरफा थोपा जब आता है तो उसे कहते हैं तानाशाही। ये लोकतंत्र है कांग्रेस में, बीजेपी में ये नहीं है, विचार विमर्श नहीं होता है, किसी को नहीं पता कौन क्या होने वाला है, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री होना है, कौन राष्ट्रपति होने वाला है, कौन कहाँ होने वाला है, किसी को नहीं पता। तो ये जो प्रक्रियाएं है ना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, आप लोग जी, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में कमेटी में महासचिव हैं, सुन तो लिए महासचिव हैं, प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप देखिए कितनी फ्री हैंड है उन लोगों को, पूरा का पूरा फ्री हैंड है। जो सोनिया जी की कमेटी में महामंत्रियों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को फ्री हैंड है, आप लोगों को पता है कि वो अपने राज्य में वो जो कहते हैं वही मैक्सिमम होता है, उन्हीं की सुनी जाती है। तो ये
बात रखना कि कितना फ्री हैंड होगा, समय दिखा देगा, बता देगा। अभी जो वर्तमान में उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमेशा गुजरात को और हिमाचल को, अभी क्योंकि हाथकंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, गुजरात का और हिमाचल का चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या उसको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लिटमस टेस्ट मान लिया जाए, प्रथम टेस्ट ये मान लिया जाए कि हिमाचल और गुजरात में कैसा करेगी कांग्रेस? राजनीत में जो भी जिम्मेदारी के पदों पे है उसका रोज टेस्टिंग होता है पब्लिक के बीच में, किसी न किसी प्रकार से। सर बड़े बड़ी परीक्षाएं तो है ना गुजरात और हिमाचल, लेकिन दोनों जगह बीजेपी, ठीक है जी, दोनों जगह बीजेपी हारने जा रही है, दोनों जगह बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, एकदम हारेगी। देखिए बीजेपी जहां चुनाव आता है, सांप्रदायिक और राष्ट्रवाद के अलावा किसी मुद्दे पर बात कर ही नहीं सकते। मैं चुनौती देता हूं मोदी जी का, जो शब्दों का प्रयोग करके मोदी जी आए हैं उन शब्दों का दोबारा उच्चारण नहीं किए हैं, जैसे 15 लाख हुआ, काला धन हुआ, 2 करोड़ नौकरियां हुई, गंगा मा एक सफाई हुई, 100 स्मार्ट सिटी, बहुत लंबी सूची है, कभी कोई बीजेपी के नेता नाम नहीं लेता है। सांप्रदायिकता, इन लोगों को तो मैंने कई बार, मैं महीनों से चुनौती देता हूं, मैं महीनों से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि ये 4 जनपद बता दें हिंदुस्तान के जहां खुले में शौच बंद हो गया हो, ये 4 आदमी बता दें कि जिसको ये काला धन वाले को ले आए हो। चलिए हिमाचल और गुजरात हार रही है ना सर, इसीलिए तो कांग्रेस, जो स्मार्ट सिटी बने हो सर आप जीतेंगे, बीजेपी हार रही है, जीतेगा कौन? मोदी जी ने कांग्रेस जीत रही है, राकेश त्रिपाठी जी दोनों स्टेट हार रहे हैं, चली आई एकदम आ रही है, क्योंकि देखिए झूठ झूठ बोल के झूठे शब्द बाग दिखा करके आप एक बार सत्ता पा सकते हैं, और एक बार आपने राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी अभी जब पोल खुलेगा बाद में तो पता लगेगा, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, राहुल गांधी की यात्रा ने कैसे मजबूर कर दिया। चलिए इसी यात्रा पर आएंगे सर, लेकिन इस यात्रा में तो साधु संत हैं, वो महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं सर, इस यात्रा में उत्तर भारत नहीं है, लेकिन जो कभी आरएसएस प्रमुख मस्जिद जाके मत्था टेक रहे हैं, क्यों राकेश जी, क्यों लोग आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हम महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वैलिड पॉइंट है ना अखिलेश जी, राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी ने, राकेश जी आप गुजरात भी हार रहे हैं, हिमाचल भी हार रहे हैं, आग्रह करके कह रहा हूं इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए और इसकी अलग से क्लिप बनवा कर, इट इज रिकॉर्डेड सर, ये आगे काम आएगी और पूरी चुनौती के साथ, जैसे जैसे आपने जैसे रिकॉर्ड इनका रखा होगा, रखा था आपने कि कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, उसी तरह ये भी रखते रहिएगा। अब तक के इतिहास में गुजरात में कांग्रेस पार्टी देखने जा रही है, और एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं कमाल है, तुमको अब भी यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी की वो दुर्दशा है गुजरात में कि आज कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं बच रहा है, और ऐसी स्थिति में अखिलेश प्रताप सिंह जी दावा कर रहे हैं कि हम गुजरात में चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात पर इनकी राजनीतिक समझ पर हंसा जाए या रोया जाए। देखिए आज ये बात उन्होंने कही कि कोई जिला शौच से, खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ। ये नाम के गांधी लिखने से आप गांधी के विचारों को समझ नहीं सकते। आपने नाम में गांधी लिखा है, हम अपने काम में गांधी जी को लेकर आए, और गांधी जी का आग्रह था स्वच्छता के प्रति, और स्वच्छता के प्रति आग्रह को देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस पीड़ा को महसूस किया कि खुले में शौच के लिए एक महिला को समस्या क्या होती है, एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार को समस्या क्या होती है, और इसलिए शौचालय बनाना चाहिए। 11.5 करोड़ शौचालय पूरे देश में हम बनाते हैं, और अखिलेश प्रताप जी टीवी पर बैठ करके इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यही जन संवेदनाओं से आप जो खिलवाड़ करते रहे ना, उसका मजाक उड़ाते रहे। ठीक है राकेश जी, हम यदा जी, ठीक है राकेश जी, एक छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन आपके आपके आरोपों का, आपके आक्षेपों का जवाब मिल गया आज आपको। आपने आक्षेप लगाया, आरोप लगाया कि भैया गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं हो सकता, उन्होंने जवाब दे दिया। अब जब मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आप उनके 15 लाख का जवाब दीजिएगा। मैं लौट रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, शुरुआती रिमार्क लेंगे ए के मिश्रा जी से लौटने के बाद। आप देखते रहिए बात में दम है। जब इंडियन स्वीट्स में मिलेगा 50% ऑफ, तभी तो फेस्टिवल बनेगा फेस्टिवल। आगे इंडिया का सबसे बड़ा दिवाली सेल, स्मार्ट एंड जियो मार्ट फेस्टिवल सेल,
14th to 24th October, visit your nearest smart store or download JioMart app now. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बनाकर रखो। अब इतनी जल्दी सांभर कैसे बनाऊं? अब सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांभर मसाला डालिए। टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांभर मसाला, अब सांभर बनाना बहुत ही आसान। असली मसाले सच सच MDH। ओका इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लक्की ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो, बन जाओ लकी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुमने भी आयुष प्लस पान मसाला हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर ही। MDH सुपर हींग, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH MDH। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। हथेली ईश्वर द्वारा निर्मित जन्म कुंडली है, क्योंकि हर व्यक्ति का हाथ अलग है, इसलिए उसके जीवन का मार्ग भी अलग है। ईश्वर ने कौन सा मार्ग बनाया है आपकी सफलता के लिए, जानिए अपने स्वास्थ्य, संबंध, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी सवालों के जवाब हमारे परम पूज्य गुरुदेव, सुप्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी से। कॉल करें 9711375590 पर। तीस दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केशकांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुमने भी आयुष प्लस पान मसाला। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
तो बहुत बड़ा दावा अखिलेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ वक्ता हैं, बेहद वरिष्ठ नेता हैं। और अखिलेश प्रताप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में गुजरात और हिमाचल बीजेपी हारने जा रही है। सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। के मिश्रा जी, आपका सबसे पहला रिमार्क इस स्टेटमेंट पर जो अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने तो इज दिस गोइंग टू हैपन इन हिमाचल एंड गुजरात। नहीं नहीं, मैंने तो शुरू में भी बोला था कि भाई मेरी शुभकामनाएं तो बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस थोड़ा अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही की है। जरूरत है, नहीं नहीं बिल्कुल है, हम सबके हित चिंतक है, हमें उससे कोई भी हारे, देश चलते रहना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती रहनी चाहिए उसी तरीके से। सवाल ये है कि देखिए, मैं ये पूछता हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी रायबरेली से आते हैं, रायबरेली और अमेठी वगैरह कभी कांग्रेस की, सर आपका शायद पैतृक निवास रायबरेली ही है, तो वहां जो कांग्रेस का घर था। नहीं, मैं वो अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा मैं रायबरेली अमेठी में काम देखता था। अच्छा, ठीक है देवरिया है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। देवरिया भी कभी, मतलब जो पूर्वांचल है, हमें याद है कि कांग्रेस का गढ़ होता था, अमेठी वगैरह रायबरेली वगैरह तो गढ़ होता था। देखिए, उम्मीद की किरण मुझे सबसे है। राहुल गांधी जी ने जब अखिलेश यादव जी के साथ हाथ मिलाया था, तब भी भीड़ बहुत उभरी थी और हमें लगा था कि कुछ हटके हो जाएगा। प्रियंका गांधी जी भी जब चुनाव मैदान में उतरी थी, गंगा यात्रा उन्होंने की थी, तो हम, चलिए हमारा बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित थे, कुछ होगा। लेकिन खड़गे क्या कर पाएंगे? क्या हिमाचल और गुजरात हरा देंगे वो बीजेपी को? नहीं, ये खड़गे कर पाएंगे, ये मेरा प्रिसाइज सवाल है। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, चुनौती जबरदस्त है। प्रेसिडेंट ठीक है, खड़गे साहब रहे या कोई भी रहे, वो कांग्रेस का इंटरनल परंपरा है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी है, कांग्रेस एज ए पार्टी चुनाव में हार जीत कोई ये नहीं देखा जाएगा, खड़गे ने हराया या उन्होंने जीता दिया, कांग्रेस हारी कि कांग्रेस जीती ये देखा जाएगा नहीं। लेकिन सर एके मिश्रा जी, यहाँ पर एक पेच है, अगर जीते तो वो कांग्रेस पार्टी का एक कलेक्टिव एफर्ट है। फिर वहां उधर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, इधर प्रियंका जी कुछ कर रही हैं, प्रियंका जी हिमाचल में अपनी एंट्री लगा चुकी हैं, फिर सोनिया जी भी उठकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। लेकिन अगर हारती है तो हार का ठीकरा उस पर फूटेगा। वहां पे देखिए क्या है, वहां दिक्कत होगी। अल्टीमेटली मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर जीतते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, तो वो खड़गे जी के मुंह से ये निकलेगा कि माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का सहयोग मिला, वो चलिए वो भी मैं अच्छा मान लेता हूँ। लेकिन अगर हारे तो एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज होगा कि हाँ भाई, राहुल गांधी जी प्रचार करने नहीं गए या उनके नेतृत्व में नहीं था, तो एक पर्टिकुलर फैमिली को एक सेफ गार्ड जरूर मिलेगा, यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। खैर, पार्टी कौन सी जीते, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस भी, भाई आप जम के लड़िए, आप जीतिए, आप पूरे देश में जीतिए, सपा जीते, हर पार्टी जीते, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है। तो देखना यह है कि ठीक है, अगर ये लग रहा है कि खड़गे जी के आने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तो मैं उसमें भी आशान्वित हूँ, मेरी शुभकामनाएं। नहीं, आशा नहीं चाहिए मुझे, आपका प्रिसाइज जवाब चाहिए, प्रिसाइज जवाब, क्या लग रहा है, यस और नो? अभी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। नहीं देखिए, अभी क्या है, किसी के भी हाथ में जादू की छड़ी नहीं होती है, ठीक है, कि वो महीने डेढ़ महीने के भीतर कुछ ऐसा कर दे। नहीं, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है ना, भारत जोड़ो यात्रा का भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। चेंज होगा, हो सकता है कांग्रेस अंदर से मजबूत हो जाए, राहुल गांधी कांग्रेस में ही एक सर्वमान्य स्थापित नेता हो जाए, कई लोग छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी को ही जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा करके। अखिलेश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, और जब जब आप इस तरह से मुस्कुराते हैं तो मुझे समझ में आता है कि एक और तर्क आएगा आपके खेमे से निकलकर, आपके तर्कश से एक और तीर आएगा निकलकर, और उसी में मैं अपना सवाल भी जोड़ देती हूँ। सवाल सर ये है अखिलेश जी, कि अभी क्या दोनों राज्यों के चुनाव लिटमस टेस्ट मान लिए जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए? मैंने आपसे पहले कहा कि लोकतंत्र में चुनाव भी एक लिटमस टेस्ट है। रोजाना लोकतंत्र में जो भी अपने राजनीतिक दल या पदों या सत्ता में बैठा, रोजाना उसके लिए टेस्ट होता है। रोजाना वो नेता पब्लिक डोमेन में, रोजाना उसकी एक एक भाव, भंगिमा, भाषा, आचरण व्यवहार सब खराब पे होती है, और आप लोगों से लगा जनता के बीच में उसकी रोजाना समीक्षा होती है जी। मैं कुछ चूंकि है क्या कि बीजेपी में एक व्हाट्सएप आता है, लोग पढ़ लेते हैं, वही रटा रटा है बोलते हैं। ये खुले में शौचालय रोकने का खत्म करने का सिस्टम कांग्रेस ने यूपीए सरकार में जयराम रमेश मंत्री थे, ग्राम विकास मंत्री, उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। पहला 8,500 रुपये शुरू हुआ था, एक साल बाद वो 12,500 रुपये कर दिया गया था उस शौचालय बनाने का। तो ये जानकारियाँ थोड़ा दुरुस्त कर लिया करिए, क्योंकि ये लोग बीजेपी वाले झूठ बहुत बोलते हैं, तो उनको बताना होता है। दूसरी चीज़ देखिए,
ये बीजेपी में होता है कि दिल्ली का चुनाव था, जीत गए तो मोदी, मोदी हार गए तो बेदी बेदी। राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों दिया था? इसीलिए ना कि हम चुनाव नहीं जीता पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और देखिए बीजेपी क्यों हारेगी हिमाचल और गुजरात में चुनाव, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, अभी राज्यों के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की, एक ही राज्य में किया, गुजरात में नहीं किया, क्योंकि अभी साहब को रेवड़ियां बांटनी है, कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी वहां रेवड़ियां कुछ बटनी है, इसलिए अभी कुछ उद्घाटन करना है, कुछ बात करनी है कागज पे, तो इसलिए वहां पे कर रखा है। एक मुद्दा नहीं है जिसपे कहें इस मुद्दे पर वोट दे। इतने देर हुआ ना आपको बहस करते हुए, हमने तमाम प्रश्न उठाए कि ये वादे थे, ये चीजें हैं, यार आपका मुद्दा क्या? कभी बीजेपी नहीं गिना सकती। आदरणीय मोदी जी ने कहा था 2022 में जो वादे किए थे कि ये 2022 में हम किसी भी कीमत पे पूरा कर देंगे, सब विजुअल है आपके पास। हर परिवार को पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, एक उसमें LED लाइट होगी, उसमें शौचालय हो गया, बन गया हर परिवार को। अब जिक्र नहीं करते बंबई से अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन से 2022 चुनाव में आएंगे, गए होंगे शायद मोदी जी बुलेट ट्रेन से, उस बार चुनाव में नदी पे उतारे थे, जहाज में गुजरात में था और बताया था बस एक महीने में ये एयर सर्विस बता यहाँ नदी में यहाँ पे चालू हो जाएगा, चल ही रहा है। सर जितनी भी बातें कह रहे हैं ये जस की तस बात है, आपको मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं 2022 मार्च में चुनाव हुआ सर उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ना, 80 लोकसभा के सांसद आते हैं संसद में। सर जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ये मुद्दे तो और ये झूठ जो आप गिना रहे हैं ये जस का तस 2022 में भी था, तकरीबन 6 महीना पहले, क्यों जनता ने भरोसा नहीं किया? देखिए ये बड़ा एक तरह से कमजोर सा तर्क होता है, बीजेपी भी तो 17 सालों तक नहीं थी कुछ। अच्छा, तो क्या मान बैठे थे क्या कि हम नहीं आएंगे? तो ये कुछ राजनीति में कब आपने अच्छा अच्छा सद्भाग दिखाया जब मोदी जी आए, हर बात पे उन्होंने बोला और लोगों को लगा कि भाई ये कुछ करना चाहता है, इसे मौका दो। आज वही कई सौ गुना तेजी से रिबाउंड मार रहा है, यार इस आदमी तो सिर्फ झूठे सब्जबाग दिखाए, राकेश जी कुछ नहीं किया इसने, अखिलेश जी बहुत गंभीर आरोप लगा, गरीबी महंगाई बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई हुई है। अरे जवाब ले, मैं तो आप देखिए मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। 5 trillion का जिक्र हो रहा है, 2022 में सबको घर मिल गया, किसानों को आय दोगुनी हो गई, बुलेट ट्रेन चलने लगी, हर घर को शौचालय हो गया, कुपोषण मुक्त हो गया, ठीक तमाम चीजें, जो बोले थे जो वादे किए थे उसको भी मैं गिना सकता हूँ। राकेश जी वादा तेरा वादा की बात नहीं करेंगे, वादा तेरा वादा क्या हुआ, गाना मुझे ठीक से याद नहीं है, जवाब शायद आप बेहतर दे पाए। अखिलेश प्रताप सिंह जी ने इन सारी बातचीत के बीच में एक बात बहुत गंभीरता से कही है और बहुत आपत्तिजनक है, उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर जिस तरह के सवाल उठाए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि पहले ही इन्हें पूर्वाभास हो गया है कि हमारी एक सरनायक पराजय होने जा रही है, तो पहले से ही निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दो। और इसीलिए इसको जोड़ करके उन्होंने कहा कि गुजरात का चुनाव इसलिए घोषित नहीं किया गया है, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का काम, चुनाव कैलेंडर घोषित करने का काम विशुद्ध रूप से चुनाव आयोग का है और हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाते, पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग का के डंके को मानती है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कैसे बिटवीन द लाइंस अपना एजेंडा रख दिया कि निर्वाचन आयोग प्रभाव में दबाव में काम कर रहा है। मैं मानता हूँ ये बहुत आपत्तिजनक है, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें लोकतंत्र को कमजोर करती है। 15 lakh बता दीजिए चलते चलते, नहीं तो अखिलेश जी कहेंगे कि मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, अखिलेश जी मुझ पर आरोप लगा देंगे मैंने सवाल नहीं पूछा। 20 lakh आप सुन लीजिए, डाटा सुन लीजिए, आपको शायद मदद करेगा। अरे भाई वो तो जुमला था, पहले कर दिया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत हमने खाते में पहुंचाए हैं और ये वो नहीं था जो राजीव जी कहते थे कि 1 rupee चलता है और 95 paisa भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देखिए सच्चाई ये है, कौन सा पैसा पहुँचाए भाई, कौन सा पैसा पहुँचाए राकेश जी, कौन सा पैसा पहुँचाए जल्दी से बता दीजिए, समय कम है मेरे पास। हाँ सवाल अपना दोहरा दीजिए, कौन सा पैसा पहुंचा अखिलेश जी पूछ रहे, कौन सा पैसा पहुंचा भाई, कहां से पहुंच गया?
किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त आज ही प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। वो टीवी देखना भूल। एक मिनट गरिमा जी 10 सेकंड। किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जा रही है, जिसकी 10,000 करोड़ रुपए पहली किस्त बनती है। दूसरी बात ये कि अब किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लेने का नोटिस गया है, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। ये बीच में इनको बंद करिए, ये झूठ फैला रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा मोदी सरकार, एक आदमी को बोलने दे भाई, हमें आपने बोला, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। किसान सम्मान निधि में पहले किस्त ही 12,000 करोड़ की। सुनिए भाई, इनको म्यूट करिए। अखिलेश जी को मुझे वाइंड अप करना है, मेरे पास समय का वाकई अभाव है। अखिलेश जी 10 सेकंड बस। सुनिए, ये बता रहे हैं हाथ तो फेंक तो गए 22 लाख करोड़ रुपए। 12वीं किस्त है किसान सम्मान निधि की, पर एक किस्त में 12,000 करोड़ रुपए जाता है, जोड़ लीजिए कितने 100 हुए। दूसरी बात, इनको भी पता है, मैंने डॉक्यूमेंट के साथ, हमने एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसान सम्मान निधि के 25% किसानों से पैसे वसूले जाने की नोटिसें गई हैं। ठीक है सर, क्या आप ट्रैकिंग में नहीं आते हैं? कैसे आपने पैसा लिया वापस दीजिए और मिलाकर लिटमस टेस्ट। ठीक है, आपके अगर दावों में दम है, अगर आपके आरोपों में दम है, तो आप गुजरात और हिमाचल जीतने जा रहे हैं, और अन्यथा तस्वीर राकेश जी के पक्ष में झुकती हुई नजर आ रही है जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनार्दन होती है, जनता तय करती है कि कौन झूठा और कौन सच्चा। अखिलेश जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। राकेश जी जुड़े, राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ए के मिश्रा जी ने हमारा साथ दिया इस डिबेट में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात में दमे देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, इजाजत दीजिए।